बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इस लेक्चर में 12.8 एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि उसके इंट्रोडक्शन किया था और उसमें थोड़े बहुत फार्मूले जो थे, एक दो फार्मूला हमने उसका प्रूव किया। अब उन्हीं फार्मूले से हमारा यहाँ इन क्वेश्चन का यूज़ होना है, क्वेश्चन में यूज़ होंगे। और हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि शॉर्ट सिलेबस के रिलेटेड है वही हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास कि वो कहता है कि आप शो करें स्मॉल आर जो है वो इज इक्वल टू 4 आर साइन अल्फा बाई टू साइन बीटा बाई टू साइन गामा ओवर टू। तो हमने क्या करना है कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लेनी है, सॉरी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को हमने लेना है, ये राइट हैंड साइड, इसको हमने चला कर ये प्रूव करना है। अब देखें यहाँ पे हमारा आर यूज हो रहा है। आर आपके पास जो इक्वल होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, ये कहाँ से आया यार? देखें मैंने आपको पहले बताया था कि आर इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा था, साइन अल्फा बाई टू, ये फार्मूला था आपका सर्कम सर्कल के, जो आपका सर्कम सर्कल था उसमें जो आपको मैंने फार्मूला बताया था उसमें ये इक्वल था, ये इस तरह ए ओवर 2 sin α/2, बी ओवर साइन 2 अल्फा, सॉरी sin β/2, और इसी तरह सी ओवर sin γ/2। तो इस तरह वो फार्मूला हमारे पास आर का होता। तो जब हम क्या करते हैं आर के इसको प्रूव करके हमने ये वैल्यू निकाली ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। ये प्रूव कैसे की? ये प्रूव आपका प्रीवियस इसमें एक्सरसाइज के शुरू में पड़ा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं प्रूव। लेकिन ये प्रूव करवाना नहीं था, जस्ट आपने इसकी ये वैल्यू याद रखनी है कि आर जो है आपके पास किसके इक्वल है, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। अब देखिए हम अपने प्रूव की तरफ आते हैं। हमारे प्रूव में है कि 4 आर साइन अल्फा बाई टू साइन बीटा बाई टू साइन गैमा बाई टू। हम देखते हैं 4 आर साइन अल्फा बाई टू। अब साइन अल्फा बाई टू आपके पास किसके इक्वल होता था? एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। ये हाफ एंगल फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हाफ एंगल फार्मूला यहाँ यूज़ होना है तो आपने उसको याद रखना है। तो एस माइनस बी एस माइनस सी और बी सी ये आपने याद रखने होंगे। मल्टीप्लाई बाई बीटा का जब हम फार्मूला आएगा तो हम क्या करेंगे, एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी इसका स्क्वेयर रूट, मल्टीप्लाई बाई इसी तरह गैमा का एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी का स्क्वेयर रूट। अब देखें ये आ गया 4 आर। मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो और स्क्वेयर रूट हो तो उसकी जो अंदर वाली रकमें होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और स्क्वेयर रूट जो होता है वो एक हो जाता है। ये 3 स्क्वेयर रूट पड़े हैं तो इन तीनों को मिला के हम 1 स्क्वेयर रूट बना लेते हैं। अब देखिए इसमें एस माइनस बी यहाँ पड़ा है और एक यहाँ पड़ा है, 2 एस माइनस बी हैं तो एस माइनस बी का स्क्वेयर हो जाएगा। इसी तरह एस माइनस सी है, यहाँ भी एस माइनस सी, तो इसमें इनकी ये एस माइनस सी का स्क्वेयर हो जाएगा। इसी तरह एस माइनस ए और एस माइनस ए, तो इन ये मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास बन जाएगा एस माइनस ए का स्क्वेयर। तो मतलब आपके पास आ जाएगा एस माइनस ए का स्क्वेयर एस माइनस बी का स्क्वेयर एस माइनस सी का स्क्वेयर ओवर, यहाँ देखें बी सी ए सी और ए बी, ए आपके पास 2 मरतबा पड़ा है तो आपके पास ए स्क्वेयर, बी 2 मरतबा है तो बी स्क्वेयर, सी है तो सी स्क्वेयर आ जाएगा आपके पास। अब देखें हमने करना क्या है कि आपके पास एक फार्मूला होता है डेल का, डेल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी इसका स्क्वेयर रूट होता है, ठीक हो गया। अब इसी को देख के हमने एक फार्मूला बनाना है। ये आ गया 4 आर, यहाँ अगर मैं इसके स्क्वेयर रूट के अंदर एस स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करूँ और इसको मैं ऐसे लिखूँ एस स्क्वेयर एस माइनस ए स्क्वेयर एस माइनस बी, जो पहले लिखा हुआ था जस्ट उसके साथ मैंने क्या किया एस स्क्वेयर को मल्टीप्लाई किया। देखिएगा जब मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी एस स्क्वेयर से करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई एस स्क्वेयर, क्योंकि इससे कैंसिल होकर फिर वही रकम बन जाएगी। हमने एस स्क्वेयर से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम यहाँ डेल की वैल्यू लाना चाहते हैं। तो डेल की वैल्यू कैसे आएगी? अब देखिए हमारे पास डेल की वैल्यू होती है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वेयर रूट। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ तो स्क्वेयर है तो हम क्या करेंगे? अब देखिए अगर मैं डेल का स्क्वेयर लेता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा, स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ रह जाएगा एस ए इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये आपके पास रह गया। हमें रिक्वायर क्या है कि एस स्क्वायर भी हो, एस माइनस ए का स्क्वायर भी हो, एस माइनस बी का स्क्वायर भी हो और एस माइनस सी का स्क्वायर भी हो। तो लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, एस है, एस माइनस ए है, एस माइनस बी है और एस माइनस सी है। हम क्या करेंगे, देखिए हमने जब स्क्वायर लिया तो ये चीज़ बच गई, अब नेक्स्ट फिर स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, एस माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, एस माइनस बी स्क्वायर और एस माइनस सी स्क्वायर। फिर स्क्वायर लेते हैं तो डेल स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा एस स्क्वायर, एस माइनस ए का स्क्वायर, एस माइनस बी का स्क्वायर और एस माइनस सी का स्क्वायर। तो मीन क्या हुआ आपके कि ये बन जाएगा डेल का फोर, ठीक हो गया, टू टू मल्टीप्लाई होंगे तो फोर आ जाएगा, ये बन जाएगा एस स्क्वायर इंटू एस माइनस ए स्क्वायर, एस माइनस बी स्क्वायर और एस माइनस सी स्क्वायर। इट्स मीन्स कि आपके पास ये जो वैल्यू है ये किसकी इक्वल आ गई, डेल की पावर फोर से। ये खुद आपने प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल ईजी से है। तो अब ये क्या किया, इसको इसके इक्वल प्रूव कर लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ फोर आर स्क्वायर रूट, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर एस माइनस ए स्क्वायर, एस माइनस बी स्क्वायर, एस माइनस सी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, डेल की पावर फोर ओवर एस स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये आपके पास आ गए। अब आप क्या करोगे, मैं इस साइड को रफ करता हूं, तो देखिएगा ये जो आपके पास फोर आ रहा है इसको यहीं रहने दें, ये फोर आर। अब जब ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल होगा तो आपके पास क्या रह जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, डेल की पावर फोर की पावर वन बाई टू, ठीक हो गया। और यहाँ क्या आएगा, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और इनके भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास रह जाएगा एस इंटू ए बी सी, ठीक हो गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए ये वन बाई टू है, ये फोर है, टू वन द टू, टू टू द फोर, तो आपके पास क्या रह गया, फोर आर डेल की पावर टू ओवर एस इंटू ए बी सी, ठीक हो गया। इस चीज़ की समझ आ गई, ये मैंने डायरेक्ट में डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा स्टेप आपका बढ़ा दिया। तो ये फोर आर की वैल्यू क्या थी, ए बी सी ओवर फोर डेल्टा मल्टीप्लाई बाई आपके पास क्या लिखा हुआ है, डेल स्क्वायर ओवर एस इंटू ए बी सी और ये ब्रैकेट, फोर से फोर कैंसिल, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, डेल से डेल कैंसिल, तो आपके पास क्या रह गया है, डेल ओवर एस, ये रह गया। अब आपने प्रूव क्या करना था, आर के इक्वल प्रूव करना था, तो आपको पता है कि डेल ओवर एस किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है, तो यही आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, तो यही आपने प्रूव करना था, यही राइट हैंड साइड लिया आपने, राइट हैंड साइड को आपने लेफ्ट हैंड साइड के प्रूव कर लिया, तो बिल्कुल सिंपल सा प्रूव है। लेकिन इसकी एक शर्त है कि आपको इसके फार्मूले जो हैं वो अच्छी तरह से आने चाहिए, ठीक हो गया। अब इसकी नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर टू है, सॉरी पार्ट नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर टू भी आपने करना है, तो उसको भी देखें सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर टू में है आपके पास के एस इज इक्वल टू फोर आर कॉस अल्फा बाई टू मल्टीप्लाई बाई कॉस बीटा बाई टू मल्टीप्लाई बाई कॉस गैमा बाई टू, ये आपका प्रूव है, तो आपने इसको प्रूव करना है। देखें बिल्कुल सिंपल सा प्रूव है, कोई इसमें इतनी पेचीदगी वाली बात नहीं है, जस्ट आपको फार्मूले आने चाहिए। सॉल्यूशन देखें, हम सॉल्यूशन में फिर क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड, जी हमने ले ली राइट हैंड साइड में, आपके पास क्या है, फोर आर कॉस अल्फा बाई टू। अब कॉस अल्फा बाई टू किसके इक्वल होता है, आपने पढ़ा था एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, आई थिंक आपके पास इसी फार्मूले के इक्वल होता है ये, क्योंकि मेरे पास फार्मूले लिखे हुए हैं तो मैं फार्मूले से देख के बता सकता हूँ आपको। ये s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी मल्टीप्लाई बाई
कॉस बीटा का क्या होगा, इसी तरह होगा, बीटा आएगा तो आपके पास बी साइड आएगी, एस माइनस बी ओवर ए सी, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाई एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी, ये स्क्वायर रूट। अब आप क्या करोगे, ये फोर आर, देखिए फिर आपके पास मल्टीप्लाई भी हो रही है और स्क्वायर रूट भी आ गया, तो आप एक ही स्क्वायर रूट लिख लो, उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा आपके पास थ्री टाइम आ गया, तो आप क्या लिखोगे, एस की पावर थ्री। अच्छा फिर क्या आ गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर, अब देखें ए कितनी मरतबा, दो मरतबा देखें, बी कितनी मरतबा, दो, और सी भी आपके पास टू टाइम्स आ गया, ये आपके पास फोर आर स्क्वायर रूट। अब देखिए हमने फार्मूला फिर डेल वाला बनाना है, तो डेल का फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, लेकिन यहाँ एस क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, एस स्क्वायर इंटू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर ए बी सी का होल स्क्वायर। ये देखें एस क्यूब था, तो एस क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एस, तो यहाँ से लेकर, ये मैं आपका हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका फार्मूला बन गया है, कौन सा, डेल का। तो आप क्या लिख सकते हो, डेल, लेकिन देखें डेल जो आपके पास इक्वल होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होल का स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे, लेकिन जब आप डेल स्क्वायर लोगे तो आपके पास आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, स्क्वायर रूट नहीं आएगा, जब स्क्वायर रूट नहीं होगा तो आपके पास डेल स्क्वायर होगा, जब स्क्वायर रूट होगा तो आपके पास डेल होगा। तो यहाँ देखें इसके ऊपर कोई होल का स्क्वायर रूट है इसके ऊपर अभी नहीं है, तो मैं इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, तो वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी फोर आर, अभी स्क्वायर रूट जो है वो रहने दें, तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डेल स्क्वायर ओवर ए बी सी का स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे, जो आपका स्क्वायर रूट है उससे इन स्क्वायर को कैंसिल कर दोगे, आपके पास आ जाएगा फोर आर एस जो है स्क्वायर एस का, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, क्या रह जाएगा यहाँ एस, और डेल से स्क्वायर से आपका डेल कैंसिल होगा, तो ये डेल ओवर यहाँ स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ए बी सी रह जाएगा, इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और इससे भी स्क्वायर रूट कैंसिल। ये फोर आर की वैल्यू आपके पास क्या थी, ए बी सी ओवर फोर डेल मल्टीप्लाई बाई डेल मल्टीप्लाई एस ओवर ए बी सी। अब क्या करोगे, फोर से फोर कैंसिल, डेल से डेल, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, यहाँ आपके पास एस रह गया जो आपके इक्वल था लेफ्ट हैंड साइड के, यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी और आपने यही प्रूव करनी थी, तो बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इतना इसमें इतना मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद जो आपने क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर थ्री, उसके भी टू पार्ट, टोटल तो थ्री पार्ट हैं, आपने क्या करना है, शॉर्ट सिलेबस के रिलेटेड करना है, तो उसमें शॉर्ट सिलेबस में जो दिया गया है वो सिर्फ दो पार्ट उसके करने हैं आपने। हम करते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर थ्री और पार्ट नंबर टू, ये हमने करना है। जो पार्ट नंबर टू में है आपके पास, आर टू इज इक्वल टू फोर आर कॉस अल्फा बाई टू मल्टीप्लाई बाई कॉस साइन बीटा बाई टू मल्टीप्लाई बाई कॉस गामा बाई टू, ये आपने प्रूव करना है आर टू के इक्वल। अब आर टू आपके पास क्या होता था, आर टू आपके पास इक्वल होता है डेल ओवर एस माइनस बी, आर वन किसके इक्वल होता है डेल ओवर एस माइनस ए, और आर किसके इक्वल होता है डेल ओवर एस, आर थ्री किसके इक्वल होता है डेल ओवर एस माइनस सी, ये तीनों आपको चार जो है इसको पता होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट राइट हैंड साइड से प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है,
फोर आर, अब कॉस अल्फा बाई टू आ गया आपके पास, तो कॉस अल्फा बाई टू है तो ये किसके इक्वल होगा, एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी स्क्वायर रूट। साइन बीटा बाई टू, साइन बीटा किसके इक्वल होगा, एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी ये स्क्वायर रूट। फिर कॉस गामा बाई टू, तो कॉस गामा किसके इक्वल होगा, एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी ये स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अब देखिए ये फोर आर फिर स्क्वायर रूट सब के आ गया, तो ए की स्क्वायर रूट बना लें, फिर इनको मल्टीप्लाई करें। एस कितनी मरतबा आया, दो मरतबा, तो ये बन जाएगा एस स्क्वायर। एस माइनस ए कितनी मरतबा है, टू टाइम्स, तो एस माइनस ए का स्क्वायर। और एस माइनस सी कितने, टू टाइम, तो एस माइनस सी का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ए भी टू टाइम है, बी भी टू टाइम है, और सी भी टू टाइम है। अब देखें फोर आर ये एस स्क्वायर इंटू एस माइनस ए स्क्वायर। अब देखें आपके पास जो डेल होता था वो क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मेन कि यहाँ एस माइनस बी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एस माइनस बी को खुद से लगा लेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड में भी एस माइनस बी से करेंगे, क्योंकि ये कैंसिल होते हैं तो फिर वही चीज़ रह जाएगी, और मल्टीप्लाई भी ए बी सी का होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें ये जो चीज़ थी मैंने पहले प्रूव करवा रखी है, ये आपके पास क्या थी, डेल की पावर फोर के इक्वल थी। डेल की पावर अगर फोर के इक्वल ये है, इसकी जगह डेल की पावर फोर लिख दें, आपके पास आ जाएगा फोर आर स्क्वायर रूट, ऊपर बनेगा आपके पास डेल की पावर फोर, नीचे आपके पास एस माइनस बी का स्क्वायर है और ए बी सी का स्क्वायर। जब आप क्या करो, स्क्वायर रूट को कैंसिल करोगे तो यहाँ रह जाएगा डेल की पावर टू, ये आ जाएगी एस माइनस बी, और यहाँ ए बी सी जस्ट रह जाएगा। ठीक हो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब आर के फिर वैल्यू लगाओ भाई, ए बी सी ओवर फोर डेल मल्टीप्लाई भाई डेल स्क्वायर ओवर एस माइनस बी और ए बी सी। ये फोर से फोर कैंसिल, ए बी सी से ये ए बी सी कैंसिल, डेल एक कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा डेल ओवर एस माइनस बी, जो कि आपकी इक्वल होता है आर टू के। तो ये आपने क्या करना था, प्रूफ। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा, जस्ट आपने क्या किया, फार्मूले ही पुट किए। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, पार्ट नंबर थ्री करना है। पार्ट नंबर थ्री में आपके पास है कि आर थ्री आपने फाइंड करना होगा, और आपको वो फार्मूले दे देगा कि इन फार्मूलों को पुट करें और आर थ्री के इक्वल प्रूव करें। पार्ट नंबर थ्री वो है जी, आर थ्री फाइंड करना है, फोर आर है, कॉस अल्फा बाई टू, कॉस बीटा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू, कॉस बीटा बाई टू, साइन गामा बाई टू, ये आपके फार्मूले। इन फार्मूलों को आपने पुट करना है, इस इनके जो फार्मूले हैं पुट करें तो आपकी वैल्यू जो है खुद ब खुद ही आ जाएगी। सॉल्यूशन टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में आपके पास फोर आर कॉस अल्फा बाई टू, फिर वही फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई भाई ये, फिर आपके पास बीटा है तो फिर एस इंटू एस माइनस बी आएगा, नीचे आ जाएगा ए सी, और गामा का फार्मूला साइन है तो फिर क्या होगा, एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी ये स्क्वायर रूट। ये फोर आर एस कितनी मरतबा आया आपके पास, टू टाइम, तो एस स्क्वायर। ए कितनी मरतबा है, टू टाइम, एस माइनस ए का स्क्वायर। बी कितनी टाइम है, तो टू टाइम एस माइनस बी का स्क्वायर ओवर, नीचे भी इसी तरह ए टू टाइम, बी भी और सी भी। अब देखिए यहाँ किस चीज़ की कमी है, एस माइनस सी के स्क्वायर की, तो आप क्या करोगे, सिंपली बात है एस स्क्वायर इंटू एस माइनस ए का स्क्वायर, एस माइनस बी का स्क्वायर, एस माइनस सी के स्क्वायर से डिवाइड भी किया है और मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी करना पड़ेगा एस माइनस सी के स्क्वायर से, और ए
बी सी का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से 4r, फिर ये वही फार्मूला एस स्क्वायर एस माइनस ए स्क्वायर एस माइनस बी स्क्वायर एस माइनस सी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल, डेल की पावर 4 ओवर एस माइनस सी का स्क्वायर ए बी सी का स्क्वायर और ये होल का स्क्वायर रूट। जब ये स्क्वायर रूट ख़त्म होगा तो ये 4r ये आपके पास रह जाएगा डेल की पावर 2, यहाँ रह जाएगा एस माइनस सी और नीचे आ जाएगा ए बी सी, ये जस्ट रह जाएगा आपके पास क्योंकि स्क्वायर कैंसिल हो जाता है स्क्वायर रूट से, ठीक हो गया। तो जिनका स्क्वायर था वो तो कैंसिल हो गया, जिनकी पावर 4 थी वो 2 रह जाएगी। 4 आर की वैल्यू ए बी सी ओवर 4 डेल मल्टीप्लाई बाई डेल स्क्वायर ओवर एस माइनस सी ए बी सी, ये ए बी सी इससे कैंसिल, 4 इससे कैंसिल, डेल ए किससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा डेल ओवर एस माइनस सी जो कि आपके पास इक्वल होता है आर 3 के। यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था। तो हमने आज जो क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, इनके दो दो पार्ट किए और करने ही थे। नेक्स्ट जो हैं आपके कुछ 4-5 पार्ट और भी हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए क्या होना है कि आपको फार्मूलों पे अच्छी सी ग्रिप होनी चाहिए, आपको फार्मूले आने चाहिए, ठीक हो गया। ये फार्मूले उस वक्त ही आएंगे जब आप जितनी ज़्यादा मर्तबा करेंगे क्वेश्चंस को, उतनी मर्तबा ये आपके फार्मूले जो हैं वो पुख्ता होते जाएंगे, पक्के होते जाएंगे और आप उनको ईज़िली जो है वो याद कर सकते हैं। तो क्योंकि फार्मूले उसी वक्त याद होते हैं जब क्वेश्चंस करते हो, तो क्वेश्चन आप जब करोगे तो फिर आपके क्वेश्चन पे भी ग्रिप हो जाएगी और फार्मूलों पे भी ग्रिप हो जाएगी। तो आज हमने 12.8 के दो क्वेश्चन किए, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमने इसके आगे करना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।